बारिश होने लगी। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स मॉर्निंग का समय है, मौसम अच्छा है, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ अच्छा सा बनाया जाए। तो यहाँ पे मैंने लिया है बेसन, हल्दी, नमक, गरम मसाला और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। तो फ्रेंड्स इन सब का मैं अच्छे से मिला के घोल तैयार कर लूँगी पकौड़ी का। तो फ्रेंड्स ये प्याज वाली पकौड़ी नहीं है, ये सादी सिंपल सी पकौड़ी बनेगी कढ़ी वाली। तो मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी वाली पकौड़ी कढ़ी। तो मैंने चाय भी रखी थी बनने के लिए, तो चाय मेरी पक रही थी, तो मैंने कहा जब तक ये पकती है तब तक मैं इसका घोल तैयार करके बना के रख लेती हूँ, और थोड़ा ये फूल जाएगा जब तक चाय मैं पीऊँगी। तो वही मैं बना रही थी फ्रेंड्स, और मैंने गैस को धीमा कर दिया है, चाय धीरे धीरे पक रही है। और ये दूसरी चाय है फ्रेंड्स सुबह की मेरी, पहली चाय तो सुबह सो के उठी थी तभी पी ली थी, पर आज थोड़ा मौसम ठंडा ठंडा लग रहा था ना, तो मन कर रहा था एक बार और चाय पीने का। गर्मियों में तो मेरा छूट गया, नहीं तो ठंडियों में तो कई बार हो जाता है चाय, गर्मी में तो सिर्फ सुबह शाम हो रहा है, लेकिन आज से मन किया कि एक बार और बना के पी लिए जाए। तो वही मैं बना रही थी, और ये था मट्ठा, छाछ भी इसे बोलते हैं फ्रेंड्स, लेकिन ये खट्टा बहुत था। ये घर का बना हुआ मट्ठा है, किसी के यहाँ से आया था, तो जैसे गांव में जमाया जाता है वही वाला मट्ठा है ये फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं चाय लेके आ गई थी फ्रेंड्स, और मैं भी देख रही थी टीवी, क्योंकि बच्चे चले गए थे ट्यूशन, उनको मैंने नहला के तैयार करा के नाश्ता पानी करा के भेज दिया था। और ये सुबह के 9:30 बजे के करीब का है, तो छुट्टी हो गई है स्कूलों में, तो सुबह ही वो देती हैं बुला के ट्यूशन। तो कुहू जा रही थी, कुहू के साथ रुद्रांश भी गए हैं, वैसे वो टिकते नहीं हैं, बस जाते हैं 10-5 मिनट में ही वापस आ जाते हैं, ज़्यादा देर रुकते नहीं हैं ट्यूशन में, लेकिन शौक लगती है तो चले जाते हैं, भेज देते हैं हम भी, चलो थोड़ा बहुत जाएगा, थोड़ा बहुत बैठना सीखेगा। तो उनके मारे तो हम टीवी नहीं देख सकते, लेकिन आज वो नहीं थे तो मैं चला ली थी, और आ रही थी हॉरर मूवी कोई साउथ की, तो अच्छा लग रहा था मुझे देखने में, तो वही मैं देख रही थी, और बाहर जाके झांक भी रही थी कहीं रुद्रांश आ न रहे हों। तो मैं थोड़ी देर देखूंगी, उसके बाद फिर मुझे खाना बनाना है, लंच भी, और पकौड़ी मैंने घोल बना के रख दी है, जाऊंगी तो पकौड़ी बनाऊंगी, उसके बाद कढ़ी में छौंक लगाऊंगी। और ये तोता ले आए थे रुद्रांश खरीद के, प्लास्टिक का, ये रबड़ वाला प्लास्टिक, तो ये टूटेगा नहीं, और सारे जो प्लास्टिक के होते हैं, कितने सारे गाड़ी घोड़ा कार सब तोड़ ताड़ के रख दिए हैं, सब बोरी में भर भर के रखा हुआ है मैंने, उनका टिकता नहीं है। तो यहाँ पे मेरा घोल बन के रेडी हो गया था और अच्छे से फूल गया था, तो मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डाल के इसका पकौड़ी बना रही हूँ। तो आइए फ्रेंड्स आप लोग भी मेरे घर आ जाइए कढ़ी चावल खाने के लिए, आज बन रही है कढ़ी चावल। तो सबसे पहले जो ओल्ड फ्रेंड हैं वो प्लीज़ कमेंट के साथ एक लाइक कर देना, और जो न्यू आए हों चैनल पर पहली बार तो वो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स, बेल आइकन के साथ फ्रेंड बनाना, जिससे मेरी आने वाली अगली वीडियो आज आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो यहाँ पे मैं धीमी आंच पे धीरे धीरे करके सारी पकौड़ी को बना के फ्राई कर लूँगी, तल लूँगी, और उसके बाद मैं कढ़ी में छौंक लगा दूँगी। तो छौंक में बस वही है प्याज और कड़ी पत्ता और मेथी, मिर्ची नहीं डालूंगी, क्योंकि पकौड़ी वाले घोल में भी मैंने लाल मिर्च डाली है, और जो छाछ का पानी था मट्ठे का, उसमें भी मैंने मसालों के साथ थोड़ा सा मिर्ची डाला था,
तो तड़के में नहीं डालूंगी, बस तड़का भून के और उसमें मट्ठा डाल के छौंक लगा दूंगी। तो तड़का मेरा हो गया है फ्रेंड्स। अब मैं इसमें डाल दूंगी मट्ठा और इसको धीमी आंच पे ही मुझे लगातार चलाते रहना है जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए। तो इसमें उबाल आ जाएगा तब इसमें धीरे धीरे पकाना है, और उसके बाद जब इसका फेना जो ऊपर का है थोड़ा बहुत ख़त्म हो जाएगा, अच्छे से पक जाएगा इसका पानी, तब इसमें मैं पकौड़ी डालूंगी। ये पकौड़ी डालने के बाद भी 10-5 मिनट इसको अच्छे से पकाना है और बहने ना पाए, इसलिए ये बहने लगता है बहुत जल्दी अगर ढक दो तो, इसलिए ढकना नहीं है, इसको खुल के ही ऐसे ही चलाते रहना है। तो जब ये अच्छे से पक जाएगा तब पकौड़ी डाल के ढक के गैस बंद कर देनी है। तो वही, अब इसमें अच्छा खासा उबाल आ गया था और काफ़ी देर हो गया था पकते हुए, तो अब मैं इसमें पकौड़ी डाल लूँगी। और पकौड़ी डालने के बाद 5 मिनट इसको ऐसे खुला पकाऊंगी, उसके बाद फिर गैस ऑफ करके इसको ढक के मैं रख दूँगी। तो फ्रेंड्स, फिर मैंने चावल रोटी बना लिया था और ज़्यादा सूट नहीं किया, इसलिए कि कुहू आ गई थी और फिर मांगने लगी थी फ़ोन की, मम्मी फ़ोन दे दो, स्कूल का काम करना है। तो समर वेकेशन का काम उसका मेरे ही फ़ोन में आया है, तो वो ले लेती है जब उसका खाली समय मिलता है। तो मैंने कहा ठीक है, जब तक मैं खाना बना रही हूँ तब तक तुम कर लेना अपना काम। फिर खाना पीना बन गया था, सब खाने पीने के बाद फिर दोपहर में आ गया था कोरियर वाला। तो यहाँ पे मैंने कुहू के लिए कुछ मंगाया था, तो रुद्रांश बैठे थे, बोल रहे थे मम्मी मेरे लिए नहीं मंगाया, मेरे लिए भी मंगा दो। तो मैंने कहा ठीक है, तुम्हारे लिए खरीद दूँगी, अभी तो दीदी के लिए आया है तो तुम देख लो कैसा है। तो बोला था हाँ अच्छा है। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी बताइए ये अच्छा है कि नहीं। तो मैंने इसको ऑनलाइन लिया है कुहू के लिए, और ये मुझे 350 में मिला है। फ्रेंड्स, कपड़ा अच्छा है, हल्का है, शिफॉन का कपड़ा है, और ख़ास गर्मी में पहनने के लिए लिया है। तो आप लोग बताना अच्छा है कि नहीं अच्छा। मुझे तो अच्छा लगा, पर मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूं कि कैसा लगा आप लोगों को। और फ्रेंड्स, बस आज की छोटी सी वीडियो है, छोटी सी क्या, बस थोड़ी सी बड़ी हो गई है। और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट करके बताना। और चलिए फिर वीडियो के लास्ट में आपको थोड़ा सा दर्शन करा देती हूँ। तो ये है प्रतापगढ़ ज़िले का बिल्हा देवी मंदिर। फ्रेंड्स, ये वीडियो आई थी मेरे पास, मैंने कहा लाओ इसको जोड़ देती हूँ, आप लोग भी थोड़ा दर्शन कर लीजिए। और भी सही नदी है, सही नदी के किनारे बसा हुआ ये बेला देवी का मंदिर है, प्रांगण है, तो सभी देवी देवता यहाँ वास करते हैं। फ्रेंड्स, तो आप लोग भी हाथ जोड़ लीजिए फ्रेंड्स और दर्शन कर लीजिए। तो मिलते हैं जल्दी आप लोगों को न्यू ब्लॉग के साथ फ्रेंड्स। तो ब्लॉग अगर बन गया तो मैं डालूंगी, अगले दिन नहीं बन पाया तो कोई बात नहीं, ये 2 दिन छोड़ के जाएगा। और ये है सही नदी। तो फ्रेंड्स, आप लोग देखिए, एंजॉय करिए, और मैं बोलती हूँ बाय बाय। पूरा देखना, तब जाना फ्रेंड्स।